नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताएंगे लाल किताब के अनुसार, असली प्राचीन लाल किताब के अनुसार सूर्य का द्वादश भाव में कैसा फल होता है। बात करते हैं प्रथम भाव की। आपके सामने है पहला घर का प्रभाव कैसा होगा अगर प्रथम भाव में सूर्य हो। देखिए, शुभ एवं अशुभ दोनों ही दशा में सूर्य के पहले घर का प्रभाव इस प्रकार है। व्यक्ति धर्मार्थ मकान एवं कुएं बनाने का शौकीन, यानी कि जैसे ये लाल किताब पुरातन है तो कुएं मतलब प्यायु, पानी के स्थान। तो आज के टाइम में मान लीजिए नलका, यानी कि जिसको बोलते हैं बोर, और पानी का प्यायु जैसे कि पानी की टैंकी, दान करने का, बनाने का, खरीदने का शौकीन होगा पानी के संबंधित। राज्य का बड़ा अधिकारी होगा सूर्य का प्रथम भाव। राज्य का बड़ा अधिकारी यानी कि वो सरपंच हो सकता है या अपने एरिया एमसी हो सकता है, ऐसे मतलब सरकारी सर्विस पे कोई पद पे होगा। वह पुराने विचारों तथा धर्म का पालन करने वाला होगा। वह अपने पिता की आखिरी उम्र तक सेवा और सहायता करेगा, लेकिन अपने बेटे से इस बात की उम्मीद नहीं रखें। पिता से चाहे धन ना मिले पर बेटे को जमा धन जरूर दे जाएगा। शराब से दूर होगा, गरीबों की मदद करने को हरदम तैयार रहेगा। दोधारी तलवार के स्वभाव का स्वामी होगा, लेकिन शरीर में सांप जैसा गुस्सा होगा। वह स्वयं बना अमीर होगा, यानी कि अपनी संघर्ष से, अपने दम पर सफर से धन मिलेगा या पैदा करेगा। सफर यानी कि उसका काम ऐसा होगा, सफर यात्रा ट्रेवल। शरीर के तमाम अंग अंतिम समय तक शक्तिशाली रहेंगे। ईमानदारी का धन फलता रहेगा और बरकत भी देगा। संतान गिनती की होगी, यानी कि एक या दो, पर संतान तथा पत्नी का सुख आनंद तक रहेगा। वह अपनी आंखों पर भरोसा रखेगा लेकिन कानों पर विश्वास नहीं करेगा। यदि मित्र ग्रह का साथ या उनकी मदद मिली, कुंडली में सूर्य ग्रह के अनुसार अगर सूर्य को मित्र ग्रह की मदद मिले तो माया धन पैदा करेगा पर उनका गुलाम नहीं होगा। उत्तम पद पाएगा एवं भाग्यवान होगा। धन दौलत उत्तम रहेगी, कभी कमी नहीं आएगी, चाहे सूर्य का जुदा ग्रह से ग्रहण ही क्यों ना लग जाए। यदि चंद्र दूसरे घर में हो और शनि 11वें घर में हो तो भी कोई परेशानी नहीं आएगी। वह नेक एवं धर्मात्मा होगा, बदकारी और हरामकारी से कोसों दूर भागता होगा। शुक्र का फल प्राय शुभ होगा। यदि बुध 7वें घर में हो तो दोस्तों, अब अगली वीडियो में बताएंगे सूर्य के अशुभ फल कि कई जगह क्या होता है कि कई ग्रहों के योग के कारण सूर्य अशुभ फल भी देता है। सो उसका अगली वीडियो में बताएंगे। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जन्म कुंडली दिखवाने के लिए, अपने बारे पूछने के लिए व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है www.astrorightway.com पर भी आप ओपन करके उसमें एस्ट्रो टॉक में जाकर अपने बारे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।